गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्राइमरी मेटाबोलाइट एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। वी विल बी आल्सो डिस्कसिंग अबाउट बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। सी, इनिशियली इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट, आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, स्लाइट स्मॉल पार्ट ऑफ द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इन द how to analyze the living matter as such. Now in this particular topic we will be discussing about metabolites which are present in the living organism as such. So let us first of all talk about plant metabolite. Plant metabolite consists of, there are two types, primary metabolite and secondary metabolite. So primary metabolite mein carbohydrates aa jata hai, fats aa jata hai, protein aa jata hai, nucleic acid aa jata hai, basic मेटाबोलाइट्स हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में एल्कलॉइड्स, फिनॉल्स, स्टेरॉल्स, स्टेरॉइड, एसेंशियल ऑयल, लिग्निन्स। एक्चुअली सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैव बीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्राइमरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट आर इन्वॉल्व इन डायरेक्ट ग्रोथ ऑफ द प्लांट, वेयर एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट आर मोस्टली प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी मेटाबोलाइट, और यू कैन से दे आर द by product of primary metabolite. In many cases their production, what is their particular role is not known. In certain cases they are produced for defense purpose. Now let us talk about primary metabolite. You already know protein have a special role. Now they are made up of amino acids, unite together to form a protein. They may be enzymes, hormones, structural proteins, structural component present in plants and animals. Lipids also have a very definite role. They are part of the membrane as such. Then they take an important role as a hormone also. Then they are precursors of so many vitamins. Regarding carbohydrate, you know that they are the constituents which provide energy, basic energy as such to the organism. So they have a particular role and their role is very definite. Now regarding secondary metabolite, we exactly, in most of the cases, we exactly cannot say why they have been produced by the plant. Now for example, let us talk about drugs which is produced by the plant. For example, a plant called as Papaver somniferum, or commonly called as poppy plant, it produces morphine. Now acetylation of that particular thing produces heroin. Now what is the use, basic use of that particular substance by the plant? For us, we extract that particular thing and then we utilize it that in form of drugs. मॉर्फिन इज अ पेन किलर एज यू ऑलरेडी नो। इसी तरह से कैनबिस सेटाइवा से भी बहुत सारे ड्रग्स बनते हैं, मरीजोना, चरस, गांजा, यू ऑलरेडी नो अबाउट इट। तो ये इसको हम लोग जो है ज़्यादातर अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए जब ड्रग का मिसयूज होता है तो वो एडिक्शन बनता है, वो एक अलग बात है, लेकिन ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज अ ड्रग। लेकिन ये तो हम लोग करते हैं, प्लांट के लिए उसका क्या रोल है? जरा सोचने की कोशिश करिए कि एक्चुअली क्यों प्लांट ये सब सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, क्योंकि हर चीज़ का एक डेफिनेट रोल होता है। शायद वो हम नहीं जानते हैं, कहीं हम जानते हैं कहीं नहीं जानते। इस केस में क्यों प्रोड्यूस कर रहा है? देखिए, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट अ प्लांट विच इज कॉल्ड एज कैनबिस। कुछ पॉइजनस प्लांट ग्रो हो रहे होते हैं और आप वहाँ पर देखोगे जो काउज हैं वो घास खाते समय उस पर्टिकुलर प्लांट को अवॉइड करते हैं। वजह जानते हैं क्यों? जब उस पर ग्रेजिंग करेगा, वो खाने की कोशिश करेगा, पॉइजनस होता है। काव वो जो एनिमल है हर्बीवोरस, या तो उसकी डेथ हो जाएगी या वो बेहोश हो जाएगा। प्लांट इकोलॉजी में प्लांट अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द ग्रेजिंग एनिमल्स, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे प्रोड्यूस दीज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं ताकि उनको कोई प्लांट ग्रेज करके उनके लीव्स को वो ना कर सके, खा ना सके।
मेरी बात आपको चाहे समझ में आ रही हो, ये अलग बात है, हम लोगों ने उसको यूटिलाइज कर दिया एज अ ड्रग। सो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं, जैसे कि कुछ में रिसिन एब्रिन प्रोड्यूस होता है, विच इज़ अ पोटेंट बायोलॉजिकल टॉक्सिन डिराइव फ्रॉम प्लांट सोर्सेस। ठीक है, तो इस तरह से ओके। नाउ लेट अस टॉक अबाउट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए। आपके लेफ्ट हैंड साइड में प्राइमरी मेटाबोलाइट लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड में आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट लिखा हुआ है। प्राइमरी मेटाबोलाइट में देखिए, दे आर इन्वॉल्व इन नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट आर कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, दे आर नॉट पॉइजनस सब्सटेंस। सेकेंडरी मेटाबोलाइट में दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट आर एल्कलॉइड, टैनिन, रेसिस, गम्स एंड लेटेक्स, मोस्ट ऑफ देम वी यूज। लेकिन प्लांट का क्या यूज है वो बहुत कम लिमिटेड पता है हमें, जरूर यूज होगा, वी डोंट नो इन मोस्ट ऑफ कंडीशन। सम ऑफ दीज कंपाउंड्स आर पॉइजनस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। ये वर्ड सुनने में थोड़ा सा अलग लग रहा है, क्योंकि हम लोगों ने बायो मॉलिक्यूल्स वर्ड ज़्यादा सुना है, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं सुना है, लेकिन चलिए इसके बारे में लोग डिस्कस करते हैं। नाउ कंपाउंड्स प्रेजेंट इन एसिड सॉल्युबल पूल, हमने आपको बताया था कि हम लोग ट्रैक एसिटिक एसिड ले रहे थे और हम लोगों ने किस तरह से उसको जो है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में आपको याद है ग्राइंड करके मोटार और पिस्टल से हमने लीवर या प्लांट पार्ट्स को डिसॉल्व करने की कोशिश की थी एसिड की हेल्प से। तो कुछ चीज़ें स्टेनर से नीचे आ गई थी, कुछ ऊपर रह गई थी। जो नीचे आ गई थी उसको हम बोल रहे थे कि एसिड सॉल्युबल, जो नहीं आई थी उसको हम बोल रहे थे रिटेंटेड और एसिड इनसॉल्युबल। तो ऐसा देखा गया कि जो नीचे आ गई थी यानी कि स्टेनर से नीचे छन के आ गई थी वो एसिड सॉल्युबल पूल में थी, और जिसका मॉलिकुलर वेट 18 डाल्टन से 800 डाल्टन तक था। जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में था यानी कि स्टेनर में रह गया, इसमें चार तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेक्राइड्स और लिपिड्स। नाउ लिपिड इज द ओनली बायो मैक्रो मॉलिक्यूल विच हैज अ वेट लेस देन 1000 डाल्टन। कहने का मतलब ये है, अगर मॉलिकुलर वेट के हिसाब से देखें, दिस शुड नॉट बी कंसिडर्ड अंडर बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, क्योंकि जनरली जो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं वो 1000 डाल्टन से ज़्यादा उनका मॉलिकुलर वेट होता है। लिपिड इज द ओनली एक्सेप्शन। कायदे से देखा जाए तो स्टेनर से वो नीचे आ जाना चाहिए था, एसिड सॉल्युबल पूल में लिपिड को आ जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया। ऐसा क्यों? उसका वजह ये है कि जब आप मोटर और पिस्टल से ग्राइंड कर रहे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स को, तो जो लिपिड होता है वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, एसिड में भी, वो डिसॉल्व होके नीचे नहीं आ पाता, वो ऊपर रह जाता है। आर यू गेटिंग इट? दिस इज द रीजन व्हाई दो लिपिड इट हैज अ मॉलिकुलर वेट ऑफ लेस देन 1000 डाल्टन, इन मोस्ट ऑफ केसेस इट इज ओनली लेस देन 800 डाल्टन, बट स्टिल इट इज कंसिडर्ड बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, बट नॉट इन ट्रू सेंस। ट्रू सेंस में बायो मैक्रो मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनका 1000 डाल्टन से ज्यादा मॉलिकुलर वेट होता है। ओके, नाउ चलिए हम लोग एक और इम्पोर्टेंट बात पर डिस्कस करें। जो सेल्स होते हैं, सेल्स टिश्यूज होते हैं, वो सेल्स के बने होते हैं। ऑर्गन्स टिश्यूज के बने होते हैं और टिश्यूज सेल्स के बने होते हैं। सेल्स के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है। पहला तो जो मान लीजिए अगर प्लांट है, प्लांट का सेल है, तो सेल वॉल होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, अंदर की तरफ जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनलीज होंगे। एनिमल्स में भी वही होगा, हालांकि वहाँ सेल वॉल नहीं होता लेकिन ऑर्गेनलीज का एक स्ट्रक्चर होता है। अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का पार्ट प्रेजेंट है। तो जो ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं उनमें लिपिड्स प्रेजेंट होगा, फैट भी प्रेजेंट होगा, और आपका लिपिड्स प्रेजेंट होगा, उसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट होगा, कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होगा। तो जब ये ग्राइंड होते हैं, क्रश होते हैं, तो ये एसिड इनसॉल्युबल पार्ट का फ्रैक्शन बन जाते हैं। लेकिन जो साइटोप्लाज्म वाला पार्ट होता है
जो साइटोप्लाज्म होता है, जो फ्लूइड पार्ट होता है, उसमें भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। जनरली वो छोटे मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं एंड दे बिकम अ पार्ट ऑफ एसिड सॉल्युबल फेस। सो आई होप एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन का पार्ट जो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। आई होप आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आई होगी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट होमवर्क विच इज़ वेरी इजी। Differentiate between primary and secondary metabolite. I have already told you what are biomicromolecules. I have told you. Give examples. Char examples hain uske. Write the role of secondary metabolite in plants. To ecologically role hai. Bahut sara role hume pata nahi. Ecological importance hoti hai secondary metabolite ki. Ek to humne aapko batai hai. Wahi known bhi hai. Thank you very much. Have a nice day. We'll be right back.